Assalamu alaikum everyone, my name is Maheen Faisal. I'm a British-born Pakistani living here in London, but I'm a Pakistani nevertheless. Actually, I'm a law student in the UK. However, recently, हमारे ऊपर एक और टाइटल लगा दिया गया of foreign agents. तो मेरा इलेक्शन कमीशन से ये सवाल है कि किस बेसिस पर आप ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने अपने मुल्क से प्यार में, अपने लीडर से प्यार में, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए PTI के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फंड्स भेजे मुल्क के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो फॉरेन एजेंट्स हैं, हम फॉरेनर्स हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं? व्हेन वी आर जस्ट एज मच पाकिस्तानी, इफ नॉट बेटर पाकिस्तानी देन यू, वी आर ऑलवेज फंड रेजिंग फॉर सोशल कॉजेस इन पाकिस्तान, सेंडिंग रेमिटेंसेस, पाकिस्तानी डायस्पोरा है. हाउ कैन यू से दैट वी आर नॉट पाकिस्तानी? पहले आप लोगों ने हमसे हमारा हक छीनने की कोशिश की, हमारा वोट छीना हमसे, अब आप लोग हमसे हमारी आइडेंटिटी भी छीनना चाहते हैं. बट टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, बिकॉज जो डिक्टेटरशिप में इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो अपने पाकिस्तान में रहते हुए नेशनल्स को हर वक्त CNIC रिवोक कराने की धमकी देता रहता है, दिस इज नॉट surprising to me at all. Just disappointment after disappointment. We overseas Pakistanis are just as much Pakistani as you are. We are living in this country, but we are there. Our hearts are in Pakistan. Pakistan is within us, and we will stand with our country until the end. Assalamu alaikum. Mera naam Javed Khan Niazi hai, aur main arsay daraz se Japan mein mukim hoon. जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस भेजा है कि ओवरसीज से की जाने वाली फंडिंग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में आती है वो या तो गैर कानूनी है या गैर मुल्कियों की तरफ से आती है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम बता देना चाहते हैं कि मेरे पर्सनल अकाउंट से या PTI जापान के अकाउंट से जितनी भी फंडिंग आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की गई है वो सब की सब कानूनी है, वो सब की सब पाकिस्तानियों की तरफ से और उनके हक हलाल के और मेरे हक हलाल के पैसों से गई है. हम आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते रहेंगे. हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी होने या ना होने के सर्टिफिकेट देने के बजाय अपनी जानिबदारी और गैर जानिबदारी पर तवज्जो दे. आप PTM का हिस्सा बन चुके हैं. हर बाशूर पाकिस्तानी जानता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी है. आप इसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रखने के बजाय PPP या मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान के फॉलोअर्स रख लें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप इस वक्त फुली तौर पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं. आपकी नजर में PTI की फंडिंग जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और PP या मौलाना की फंडिंग जो है वो कानूनी है. हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इज्जतदार तरीके से इस्तीफा दे के एक साइड पे हो जाए और पाकिस्तान में एक गैर जानिबदार इलेक्शन होने दें. ये हर पाकिस्तानी का हक है और इंशाल्लाह हम ये हक लेकर रहेंगे. आप सीधे तरीके से इस्तीफा देके चले जाएंगे तो ये आपके लिए इज्जतदार तरीका होगा, नहीं तो पाकिस्तानियों ने अपने हक के लिए खड़ा होना है और हर वो कानूनी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है जिससे आपकी जानिबदारी को उठा के साइड पे फेंका जाए. पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद और PTI जिंदाबाद. पाकिस्तान के लिए हम हमेशा जान भी देते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश अली है और मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ जो कि कनाडा में मुकीम हूँ. पिछले 15 साल से मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी ही हूँ. मेरा मैसेज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर राजा के लिए है, जिसने कल एक बहुत ही घटिया रूलिंग दी कि PTI और इमरान खान को फंडिंग फॉरेन एजेंट्स के थ्रू आती है. तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है और ये मेरा नायकॉप है. ये दोनों चीज़ें सिर्फ पाकिस्तानियों को ही अलॉट होती हैं. मेरे घर में जगह जगह पाकिस्तान के झंडे लगे हैं. सुबह होती है पाकिस्तान की फिक्र में और रात होती है पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हुए. पाकिस्तान छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी नहीं रहे. हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई, रूट्स सब पाकिस्तान में ही हैं. हमारा दिल अभी भी पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है. इसलिए शर्म आनी चाहिए है ECP को और PDM को इस तरह के फजूल फैसले देते हुए. आज मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं उन करोड़ों फॉरेन एजेंट्स में से एक हूँ जो PTI और इमरान खान को फंडिंग भेजती है. और हमारा फैसला सही है, क्योंकि हमें पता है कि इमरान खान ही है जो हमारे पैसे इस मुल्क पे लगाएगा. वो हमें खाता है तो लगाता है वाली लॉजिक नहीं देगा. इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए. आपके फैसले से हमारा जज्बा सिर्फ बड़ा है कि हम सही जमात को पैसे दे रहे हैं और अब और जोरों शोर से देंगे. सो रोक सको तो रोक लो. Assalamu alaikum ji, my name is Khurram and it's been like 7 years I'm living in Dubai. I'm one of those so many foreign agents who have been funding Khan sahab since ages. Hum to ye karte rahenge janab, aap hame disown nahi kar sakenge. Aapne kal ek ghinauni koshish ki hai hame disown karne ki, jisme aap bade bure tarike se fail ho chuke hain. Do kaam ECB commissioner sahab aapke zimme lagaye gaye the. Ek kaam tha election ka jisme aap nakam ho chuke hain. दूसरा काम था खान साहब को किसी ना किसी तरीके से डीफेम कर दिया जाए, वो भी आपसे नहीं हो पाया. उसमें भी आप कल बहुत बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं.
अब चूंकि आप फेल हो ही चुके हैं और आप सबको बता चुके हैं कि आपकी काबिलियत नहीं है, तो आप अपने निकम्मेपन का मजीद तमाशा ना लगवाइए। आप रिजाइन सबमिट कीजिए, इस कुर्सी को छोड़िए, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दिस पोजिशन। आप कुर्सी से उतरिए ताकि पाकिस्तान एक दुरुस्त सिंत में आगे बढ़ सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन खालिद है और मैं बरतानिया में रहती हूँ। मेरे पास पाकिस्तान और बरतानिया दोनों ममालिक की शहरियत है, जिसका हक मुझे दोनों ममालिक के कवानीन ने दिया है। मैं अपनी हक हलाल की कमाई से कानूनी जरा इस्तेमाल करते हुए पीटीआई को डोनेशंस भेजती हूँ। मेरा ये मैसेज सिकंदर राजा साहब और ईसीपी के लिए है। आपकी हालिया रूलिंग ने मुझ जैसे कई पाकिस्तानियों को गैर पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया है। आपकी ये रूलिंग कानूनी और अखलाकी तौर दोनों तौर से गलत है। आपको इसका कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हम जैसे पाकिस्तानियों को गैर पाकिस्तानी करार दें।